श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश अभी पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि सुरक्षा कैसे करते हैं मोहन कैसे करते हैं और कई अन्य विषयों पर ओम नमः शिवाय का पूर्ण जाप जो, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है ऐसे मंत्रों के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ तो ये सब विशुद्ध तांत्रिक क्रियाएं हैं लेकिन आज मैं आप लोगों को एक इजी प्रोसेस बताऊंगा आकर्षण का देखिए बहुत लोग ऐसे ही समस्या हमारे पास लेके आते हैं कि भाई हम ऑफिस में बैठे रहते हैं कोई भी सामने से आता है हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है या फिर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई उनके पास आता है तो वो उनसे आकर्षित ना हो करके उनको अपोज़ करता है तो समस्या ये है कि आपके और सर्कल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर जो कॉस्मिक एनर्जीज आप ले रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं तो आपका जो आकर्षण शक्ति है वो घट जाता है तो उस आकर्षण शक्ति को बढ़ाना और उस आकर्षण शक्ति से किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करना ये विषय आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि हर इंसान के चारों तरफ एक और होता है एक एनर्जी बॉडी होती है तो दो लोगों का जब और मैच करेगा या फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी एनर्जीज मैच करेंगी तो उन लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है और जिन लोगों का मिसमैच होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसीलिए जो अंग्रेज़ी में कहावत है कि एक तरह की चिड़ियाँ एक साथ बैठती हैं उसका कारण यही होता है हमारा काम है कि हमारा एनर्जी सर्कल ऐसा रहे कि उसमें सब समाहित हो सबको हमारे साथ बैठ के अच्छा लगे ठीक है अभी क्या है कि अगर आप नशा करते हैं तो और अगर आप नशा नहीं करते हैं दो व्यक्ति को ले ले जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा नहीं नशा करने वाला व्यक्ति से दूर भागेगा और जो नशा नहीं करने वाला व्यक्ति है वो वो ऐसे लोगों से दस हाथ की दूरी बना के रखता है जो कि नशा करते हैं क्योंकि वो भले साथ में नशा ना कर रहे हैं वो आमने सामने खड़े होने पर समझ में आ जाता है कि कुछ तो हम लोगों में मिसमैच है कई बार आ, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नशा करे नहीं करे उनके सामने जो व्यक्ति आएगा वो उनपे बिफर ही जाता है वो कुछ ना करे वो कुछ ना बोले लेकिन मतलब उनका और ऐसा हो जाता है उनकी आकर्षण शक्ति इतनी घट जाती है कि किसी को भी उनके सामने बैठ के लगता है कि इसको भगा ही दो तो आज हम उसी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए बात करेंगे ठीक है देखिए मोहिनी और आकर्षण शक्ति में अंतर होता है क्या अंतर होता है मोहिनी एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें आप किसी को अपने वश में करते हो ठीक है किसी को अगर बिल्कुल ही अपने वश में करना है तो उस पर मोहिनी का प्रयोग होगा लेकिन अगर आपको किसी को अपने प्रति आकर्षित करना है किसी विशेष कार्य के लिए नहीं किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं लेकिन आप चाहते हैं कि अगला व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित रहे तो उसके लिए आकर्षण मंत्र है आप एक चीज़ देखोगे ऐतिहासिक तौर पे आ, मैंने रावण संहिता के हिसाब से कुछ टोटके बताए थे पिछले वीडियो में रावण था वो बहुत ही दुराचारी था लेकिन लोग उसके पीछे दीवाने थे उसकी एक अपनी प्रजा थी जो उसको राजा मानती आज भी आप साउथ में जाओगे तो लोग उसको पूजते हैं ठीक है और हमारा जो नॉर्थ का रामायण और साउथ का रामायण में बहुत अंतर है उसी तरीके से अगर आप कंस को देख लीजिएगा तो कंस का एक अपना वर्चस्व था भले वो कितना भी दुष्ट हो हाँ अगर आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जनता उसके विरोध में थी लेकिन वो फिर भी राजा था तो राजा जो होते हैं उनका एक अपना तंत्र होता है और वो तंत्र उनको आकर्षण देता है आप देखोगे हिटलर था हिटलर ने इतना गलत किया पूरा विश्व जानता था लेकिन जो उसके अपने लोग थे वो हिटलर को भगवान मानते थे क्यों क्योंकि हिटलर ने उनको आकर्षित कर रखा था आज के डेट में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं पूरा का पूरा देश तबाह करते रहे हैं लेकिन लोग फिर भी उनके दीवाने हैं क्यूं? क्यों क्योंकि एक आकर्षण से वो बंधे रहते हैं तो इसी आकर्षण को स्वयं के लिए कैसे हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए एक तो Uh, यंत्रों के द्वारा ये किया जा सकता है ऐसे आप अपने पर्स में महालक्ष्मी यंत्र रखते होंगे कुबेर यंत्र रखते होंगे बहुत लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि पर्स में अगर आप सूर्य यंत्र रखें तो उससे ज़्यादा लाभप्रद कुछ नहीं होता है आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने में खैर ये विषय नहीं है आज का विषय आकर्षण के लिए आकर्षण के लिए आप मोहिनी मंत्र मोहिनी यंत्र होता है वो आप अपने पर्स में रखें तो मोहिनी यंत्र का पूजा कैसे करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा एक उसका मंत्र होता है ओम काम हाम हुम ओम काम हाम हुम इस मंत्र का ग्यारह सौ जाप उसको सामने रखिए दीपावली या ग्रहण के दिन और उसको एक दिया दिखाइए घी का दिया होना चाहिए दो अगरबत्ती दिखाइए और उसके बाद ग्यारह सौ माला आप जाप करिए ओम काम हाम हुम का और उसके बाद आ, आपको लेकिन उसको हमेशा पावर में रखने के लिए आ, एक सौ आठ माला रोज जाप करना होगा या फिर एक दूसरा माला है जो कि ओम नहीं ओम नहीं होता उसमें रिम होता है रिम ठह ठ स्वाहा इस मंत्र को का भी वही विधि है कि इसको आप यंत्र को सामने रखें उसको चंदन टीका करें उसमें दीप दिखाएं और फिर ग्यारह सौ जाप करें उसका ग्यारह सौ जाप करने के बाद नित्य उसमें एक सौ आठ जाप करना है तो ये यंत्र की विधि है लेकिन आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है कंस का साबर मंत्र <coughs> तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रावण हो या कंस हो ये सारे लोग आ, साबर मंत्र का प्रयोग करते थे तंत्र बहुत अच्छे तांत्रिक मतलब जो भी राव जो भी राक्षस थे जो राजा थे जिनको आज हम असुर बोलते हैं वो अपनी प्रजा को मुट्ठी में रखने के लिए साबर मंत्रों का प्रयोग करते थे ठीक है तो उसी में कंस का एक अपना मंत्र था कंस बहुत ही था आप लोग जानते हो कि Uh, क्योंकि उसने अपने हत्या को अत, हत्या ना हो इसके चलते अपनी बहन को अंदर रख लिया लेकिन उससे पहले की कहानी ये भी थी कि कंस उसको बहुत प्यार से रखता था अपनी हत्या ना हो इसलिए उसने अपनी बहन को जेल में डाल दिया था तो कंस जो था उसका एक अपना तंत्र था उसने अपनी एक साधनाएं करके रखी थी ठीक है तो उसी में कंस का एक सावर मंत्र है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है इसके लिए आपको 11 दिनों तक सिर्फ़ 11 जाप करना है कितना 11 11 सौ नहीं सिर्फ 11 बार आपको इस जो मंत्र मैं अभी बताऊंगा उसका सिर्फ 11 बार 11 दिन तक जाप करना है ना ज़्यादा ना कम उसके बाद कपास ले लेंगे और पीली सरसों ले लेंगे और चूहे के बिल के पास की मिट्टी ले लेंगे फिर से सुनिए कपास चाहिए हमें पीला सरसों चाहिए हमें और चूहे के बिल के सांप के बिल की मत ले आइएगा वरना उल्टा सर होगा चूहे के बिल के सा के पास वाली मिट्टी आप ले लें तीनों को मिला करके हाथ में रख लें ठीक है तो देखिए किसी भी चीज़ को सिद्ध करने की क्या विधि होती है दृष्टि जब आप किसी चीज़ पर दृष्टि डाल करके जाप करते हैं तो वो साधना उसमें चली जाती है माला जैसे हाथ में आप माला फेरते हैं तो माला सिद्ध होता है ठीक है लेकिन अगर आपको ईष्ट को, को सिद्ध करना है तो ना माला तो माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए मन मन में उस ईष्ट का मंत्र आपको जपना चाहिए ठीक है अच्छा जाप कैसे करते हैं एक छोटा सा बात मैं बता देता हूँ अगर माला आप प्रयोग नहीं कर रहे तो जाप कैसे करना चाहिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैं ये साबर की बात नहीं कर रहा ऐसे अगर किसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो पहले आठ महीना आपको बोल के सिद्ध करना चाहिए इतना जोर से बोले कि खुद सुनिए आप सोलह महीना आपको जीप हिला करके उसका जाप करना चाहिए ठीक है और फिर बत्तीस महीने तक आपको आ, मन में उसको जाप करना चाहिए तब जा कर के कोई भी मंत्र परफेक्ट होता है ये एक लाख या सवा लाख जो सिद्धियाँ होती हैं ये ऐसा नहीं होता कि दस दिन में आप कर लो तो सिद्ध हो जाएगा इसका एक अपना प्रोसेस होता है वो जब वाइब्रेशन दिमाग में घुसता है तब जा कर के ये मंत्र सिद्ध होते हैं हाँ तो वापस आते हैं कंस के आकर्षण मंत्र पे ठीक है तो 11 दिन तक जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका आप जाप करोगे 11 बार ठीक है उसके बाद हाथ में एक कपास कुछ पीले सरसों के दाने और चूहे के बिल की मिट्टी ले लीजिएगा ठीक है उसके बाद ये मंत्र पढ़ के ग्यारहवें दिन तीन बार इस मिश्रण पे आप फूंक मारिएगा तो जैसे ही आप तीन बार इस मिश्रण पर फूंक मारिएगा तो ये जो मिक्सचर है कपास पीले सरसों और चूहे के बिल की मिट्टी का ये आपका आ, यंत्र तैयार हो जाएगा ठीक है अब आपको अगर मान के चलिए कि आपको अब आप, ऑफिस में आप बैठे हैं आपको आकर्षण मंत्र प्रयोग करना है तो आप वहाँ बैठिए और इस चीज़ को फूक दीजिए हाथ में थोड़ा सा एक चुटकी लीजिए और वो फूक दीजिए तो वहाँ बैठने वाले सारे लोग आपसे आकर्षित रहेंगे या अगर किसी अमुख व्यक्ति पर आप को आकर्षण प्रयोग करना है तो उसका पहना हुआ कोई वस्त्र लीजिए और उस पर इस मिश्रण को छीट दीजिएगा तो वो व्यक्ति फिर से आपके पास लौट आएगा ठीक है तो ये क्या है कि मोहिनी जो होता है वो हायर एंटीबायोटिक्स है तंदुर प्रयोग का ये जो आकर्षण मंत्र मैंने आपको दिया ये लोअर एंटीबायोटिक है मतलब अगर इसमें आपका काम हो जाए तो फिर किसी भी और प्रयोग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आज के लिए इतना ही आप मेरे YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप है उसको आप गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें उसमें रुद्रनाथ आप सर्च करें और आप मुझसे बात कर सकते हैं